आरा नगर निगम के वार्ड नंबर 30 के 52 परिवार को आरा प्रखंड द्वारा नोटिस भेजा गया। गरीब परिवार कह रहे हैं कि हम बहुत ही गरीब है, जैसे तैसे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार द्वारा यह नोटिस गलत भेजा गया है। साहब, हम तो वास्तव में गरीब हैं, नहीं विश्वास है तो आप खुद देख लीजिए। हम तो यहाँ राशन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भर रहे थे और इधर हम फंस गए। हम लोगों को फंसाने में विकास मित्र का हाथ है। बच्चा का नाम जुड़वाना था, 5 हम परिवार हैं, 8 परिवार होना चाहिए, 8 परिवार का फोटो सब खिंचवा करके फार्म में दिया गया राशन कार्ड के लिए। राशन कार्ड के लिए तो फिर उसके बाद नोटिस भेज दिया गया। उसके बाद नोटिस भेज दिया, क्या कार्रवाई करने की बात कही गई है? हाँ, तो आप मतलब आप कैसे परिवार चलता है आपका? हम कसों मजदूरी धंधा करके कमाते हैं, हमारी हार्दिक बहुत स्थिति खराब है, बहुत मजबूर रहते हैं। अगर राशन नहीं मिलेगा तो हम लोग खाएंगे कहाँ? तो क्या मांग करते हैं, मतलब कि राशन मिले? हाँ। क्या नाम आपका? गणेश शर्मा। कौन से वार्ड से आप? 30 वार्ड। क्या हुआ था कि राशन कार्ड के लिए आप लोग के यहाँ नोटिस? एक दो थोला एक थोड़ा पोता पोती है आ एक तो बहू है, इसके नाम जोड़े हैं तीन आदमी के मिल रहा था। दो ठो लड़का है, वो हम है, एक तो पोता पोती है, एक तो बहू है, तो सोचे कि नाम जोड़ दे तो मतलब राशन कार्ड। जब नाम जोड़वाए तो उसके बाद नोटिस आ गया? हाँ, नोटिस आ गया। किसके द्वारा नोटिस आया है? मेरी द्वारा, हमारे द्वारा। मतलब आपके लोग के यहाँ नोटिस आया है, कार्रवाई करने की बात कही गई है? तो आपके यहाँ कौन कौन लोग हैं घर में, क्या करते हैं आप लोग घर में? मजदूरी करते हैं लड़का लोग, मजदूरी करते हैं। पूरा काम, हाँ, पूरा काम वो नहीं जानता है। तो क्या मांग करते हैं आप लोग के यहाँ जो नोटिस आया है? राशन कार्ड मतलब करने के लिए। तो आगे यदि आप लोग को राशन नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं मिलता है तो नहीं मिलेगा तो। क्या नाम है आपका? प्रभावती देवी। कौन वार्ड से आप? 30। चीज का आप क्या नोटिस आया है? हम नया राशन कार्ड जमा किए थे फार्म, हमको ये नोटिस आ गया है, इसलिए हम कमाने खाने वाले आदमी हैं, हम कैसे फेरी करने वाले, हम कैसे बाजार से किन के खाएंगे, हमको मेरे यहाँ फर्स्ट बार जमा किए हैं, वो नोटिस आ गया है। तो नोटिस किस लिए है? क्या उस फार्म में कुछ त्रुटि था? फार्म में कुछ त्रुटि नहीं था, मेरा सब जमा किए थे, सब बनवा कर। हाँ, तो अभी आप क्या मांग करते हैं? हम अपना मैंने मांग करते हैं यही कि हमको मैंने राशन कार्ड बना दीजिए, हम अपना अनाज पानी के लिए मैंने कुछ करे, गरीब आदमी हैं, कैसे हम चलाएंगे, बाल बच्चे हैं, फेरी करने वाले आदमी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी देवी है। कौन से वार्ड की रहने वाली? वार्ड 30 वार्ड के रहने वाली है। लोग के यहाँ विकास मित्र के द्वारा भेजा गया है। अब बोले लोग राशन कार्ड बना के दिए। तो क्या पहले राशन कार्ड आप लोग का नहीं बना था? नहीं, पहला कार्ड बना फार्म भर। तो उसके बाद फार्म भरने के बाद नोटिस आया है। आप लोग यहाँ क्या करते हैं? लोग घर में फ्री का काम करते हैं। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? ये मेरा कार्ड बनाना था, नहीं बना है, इसीलिए हम लोग दिए थे, आई यहाँ वापस आ गया। तो किस चीज के कार्ड बनाने के लिए दिए थे? ये राशन कार्ड के लिए, गरीब आदमी हम लोग है तो इसीलिए दिए थे। तो फिर उधर से अभी तक कार्ड नहीं बना? ना, उसे कार्ड नहीं बना मेरा, अभी यहाँ पर नोटिस आ गया। हाँ, आपके यहाँ क्या करते हैं आपके घर में लोग? मेरा यहाँ तो सब फेरी करते हैं लोग। फेरी? हाँ। किस चीज का? पेपर का आए थे। तो आप क्या मांग करती हैं राशन कार्ड के लिए सरकार से? तो क्या कहेंगे, मान लेने की हम पेपर कर रहे हैं तो
मलिनी के बच्चा सब क्या करेगा सर? हाँ, क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। घर में कितने लोग? मेरा परिवार ऐसे 8 लोग है। ये नहीं आवा था, किया है नहीं वाला तारा में आवा था वो। कोई नहीं। आप लोग के विकास मित्र उधर किस लिए आया? ये कार्ड बनाने के लिए। किस चीज़ का कार्ड? वही कार्ड। राशन कार्ड। तो क्या हुआ, नोटिस क्यों फिर आया है? वो हम लोग सरकार सोच रही है कि पैसा वाले हम लोग ज़्यादा हैं, हम लोग मजदूरी करने वाला हम भी हैं, 2 दिन काम चलेगा 2 दिन बंद हो जाएगा, बस यही है। क्या मांग करते सरकार से? यही कार्ड बनाने के लिए। यदि आगे के क्या मतलब कि आप लोग की कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करना चाहेंगे? तो सरकार की मर्जी, अब सरकार ही बता सकता है। राशन कार्ड के लिए क्या हुआ था? राशन कार्ड में, राशन कार्ड में अपने मेरा नाम नहीं था, मेरे पत्नी का, सब परिवार का था, इसे नाम जोड़ने के लिए इसे फार्म भरे थे। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ, शिक्षा फोन विकास मित्र के द्वारा नोटिस भेज दिया गया। नोटिस आ गया। तो क्या मतलब कि आप क्या चाहते, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही, मेरे कार्ड बन गए, हम लोग गरीब आमदी है, मजदूरी करने वाला है, अब यही चाहते हैं सरकार से। ओम प्रकाश शर्मा। कौन सा वार्ड से आप? 30 वार्ड। सीधा कर। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा नोटिस भेजा गया है मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 30 में। ये लोग राशन कार्ड का फॉर्म भरे थे, राशन कार्ड का फॉर्म में बहुत से लोगों ने अपना नया नाम जोड़ने के लिए भरा था, बहुत लोगों ने नाम काटने के लिए भरा था, बहुत लोगों ने नया राशन कार्ड बनवाने के लिए भरा था, लेकिन विकास मित्र के द्वारा इसको जांच कराने के लिए दिया गया प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा। विकास मित्र ने जांच किया और जांच के दौरान ऐसे 80% लोगों को अमीर दिखा दिया है जो कि महागरीब हैं और उनको राशन कार्ड का हक मिलना चाहिए, वैसे लोगों को उन्होंने दिखाया है कि ये अमीर आदमी है। और इस आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उन सभी 80% लोगों को नोटिस जारी किया है कि आप अविलंब इसका जवाब दें, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग खाने से खाए बिना मरने वाले हैं, जिनके यहाँ खाना नहीं बन पा रहा है सही से, वो लोग को ऐसा नोटिस आने के बाद, ये लोग बेचैनी में कल से खाना नहीं कितने घर में बना। मेरे वार्ड में 52 लोगों को जो भेजा गया है उसमें से 80% लोगों को, गरीब आदमी को भेजा गया है। और कल जब नोटिस मिला, ये लोग सभी मेरे पास दौड़ कर आए कि भैया ये कैसा नोटिस हम लोग के यहाँ आया है, हम लोग तो अपने गरीब आदमी, हम लोग कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, ऐसा अगर है तो हम लोग जवाब देंगे। अभी आप लोग क्या इसके लिए? हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से हम मिलेंगे कि आपने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया, आप विकास मित्र के कहने पर जो काम किए आपने उसको अच्छी तरह से जाँच लिया होता कि वो सही सूचना दे रहा है या गलत सूचना दे रहा है, जिसके चलते जिनको भी नोटिस आया वो लोग घर में खाना नहीं बन पाया, वो लोग खाना नहीं खाया, रात भर चैन से सोया नहीं है मेरा गरीब जनता। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि जो इन लोग के साथ अन्याय हुआ है उसको सुधार किया जाए, और इन लोग से कोई नोटिस का जवाब नहीं। अगर चाहती है प्रशासन खुद आकर इन लोग को देखे, प्रशासन आकर देखे, देख करके समझे कि ये उनके साथ उनके द्वारा गलती हुआ है। कुछ सूचना मिला कि विकास मित्र इन लोगों को प्रताड़ित किए, नहीं ये थी हो पाए। यदि नहीं कुछ बातें मानी जाती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं मानी जाती है तो हम लोग आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम तो गरीब के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते हैं, ये हमारी जनता है और हम ऐसा इनके साथ नहीं होने दे सकते। परिचय बताया जाते हैं। मेरा नाम शंभुनाथ केसरी हुआ, मैं वार्ड नंबर 30 को मैं ही देख भाल करता हूँ। गीता देवी है, जब से वो वार्ड पार्षद हुई है तब से मैं ही इस वार्ड का काम स्वयं करता हूँ और देखता हूँ और